हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑन अर्थ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी है और सर्दी के दिनों में टमाटर काफ़ी अवेलेबल होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे इसे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ले चलते हैं हम आपको टमाटर की चटनी बनाने की तरीके की ओर। वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, इसके लिए हम पहले लेंगे कढ़ाई। हमने कढ़ाई ले लिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ज़रा सा तेल। इसे आप जल्दी बना सकते हैं और इसे आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे रोटी के साथ हो गया, चावल के साथ हो गया। अब इसे हम तेल गर्म होने के बाद इसमें हम सरसों डाल देंगे। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं सरसों अभी फूट चुका है। इसमें अब हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। इसे हम सुखा के भी बना सकते हैं, इसे हम ट्रैवल में भी बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ जो हमने रखा हुआ था, इसे अच्छे से मिला लेंगे गाइस। गाइस, अब हम इसमें अभी इसे थोड़ा हल्का सा पका लेंगे। जब ये पक जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसमें प्याज और मिर्ची डालेंगे जो कि हमने पहले से काट रखी थी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये चटनी दोस्तों बहुत जल्दी बन जाती है और आपको ट्रैवल के लिए, घर के लिए बहुत जल्दी बन जाती है, और ये लास्ट भी करती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगी ये। अब गाइस, हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। हल्दी ज़रा सा स्वाद अनुसार डालिएगा और नमक भी। अब इसमें हम मेथी पाउडर भी डालेंगे, हल्का सा मेथी पाउडर भी डालेंगे, और ज़रा सा हम इसमें शक्कर डालेंगे जिससे इसका स्वाद निखर कर आता है। और इसे अच्छे से मिला लीजिए। गाइस, हमें बस इसे 5 मिनट तक पकाना रहेगा, तेज आंच में आप 5 मिनट तक पका दीजिए। और ये पेस्ट की तरह हमें अभी दिखेगा, बस 5 मिनट पकाना रहेगा और ये तुरंत आप बन जाता है। इजी रेसिपी है, ठंड के सीज़न में टमाटर बहुत अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे गाइस ये पेस्ट बनना शुरू हो गया है। गाइस, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ऐसे ही इजी और जल्दी बनने वाले रेसिपीज मैं रोज़ अपलोड करूँगी। अब इसमें हम कटे हुए धनिया पत्ती जो कि हमने काट रखी थी, अब वो हम ऊपर से ज़रा सा डालेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पेस्ट तरह बन चुका है। अगर आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, और आप अगर आप चाहते हैं तो प्याज को शुरू में थोड़ा ज़्यादा भून के भी डाल सकते हो, जैसे काफ़ी लोगों को भुना हुआ प्याज ज़्यादा पसंद होता है। गाइस, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। स्वाद अनुसार आप जैसे धनिया ज़्यादा पसंद करते हो तो धनिया ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये हमारी रेसिपी बन गई है गाइस, ये इजी मेकिंग रेसिपी है। वीडियो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। हम जल्द ही नए रेसिपी के साथ अगले दिन मिलेंगे। बाय।